ले लेंगे। रुक पाएगा बेरोजगारी, रुक पाएगा जानते हैं कितना महंगाई बढ़ेगा, बेरोजगारी रुक पाएगा, बढ़ेगा बेरोजगारी। और इस सरकार में, केंद्र सरकार में अब दम नहीं है कि बेरोजगारी को रोक पाएगा, उसके पास कोई योजना नहीं है बेरोजगारी रोकने का। वो कागजी फ्लॉप ला रहे हैं देश की जनता को, और जहां महंगाई रोकने का, बेरोजगारी रोकने का केंद्र सरकार के पास अब कोई योजना नहीं बचा है, इसलिए केंद्र सरकार बराबर अब राज्य सरकार पर थोपे, हर राज्य सरकारों को दोषी ठहराने का काम आने वाले दिन में मोदी जी करेंगे, क्योंकि वही पकड़ पकड़ में आ गए हैं। कोरोना कोरोना करते करते वो लोग पकड़ में आ गए हैं, और ये समझ लीजिए कि केंद्र सरकार के पास कोई योजना नहीं है बेरोजगारी रोकने का, कोई योजना काम नहीं आएगा महंगाई बढ़ने से रोकने का, इसलिए ये सब बकवास है। अब खाली आप देखेंगे देश की जनता को ठगा हुआ, देश की जनता ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और आने वाले दिन में और ठगा जाए। महंगाई दर तो भाजपा की देन है, और महंगाई दर बढ़ाना भाजपा के लिए अपना उत्सव का माहौल मानता है कि महंगाई बढ़ा दिए तो बहुत खुश होता है। ये मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो हैं, अगले वर्ष खूब बहुत प्रचार प्रसार किए, उज्ज्वला योजना उज्ज्वला योजना, गरीबों को हम इतना गैस सिलेंडर बांट दिए। पहले भी यही होता था कि गैस सिलेंडर एक बार मिल गया, गैस चूल्हा मिल गया, इसके बाद साल में एक बार भी लोग रिफिल नहीं करवाता था, क्योंकि उस समय ही महंगाई था। आज तो पुनः उसका गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पेट्रोलियम पदार्थ में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। डीजल का दाम बढ़ने से किसान भी परेशान होंगे, गरीब भी परेशान होंगे, क्योंकि डीजल का भाड़ा बढ़ने से सारा ढुलाई का जो खर्च आता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिसका डायरेक्ट प्रभाव उपभोक्ता मूल्यों पर पड़ेगा। किसी भी प्रकार की सामग्री आती है बाहर से, उसमें जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो निश्चित रूप से उस पर महंगाई बढ़ेगा। गैस अब तक गृहिणी लोग गैस के संबंध में पर डे लोग कोसेंगी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या कह के गए और क्या करने जा रहे हैं। अभी जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का रेट जो है प्रति बैरल के हिसाब से 1520 रुपए आ गया है, उस हिसाब से तो डीजल पेट्रोल बिल्कुल ही कम आना चाहिए था, लेकिन क्रूड ऑयल का इतना दाम कम होने के बावजूद भी ये बढ़ोतरी बार बार की जा रही है। इस जनता के प्रति पूरे ये महंगाई थोपना ये चिंताजनक है, और देश को अर्थव्यवस्था पर भी इस कहाँ चावेगा, क्योंकि बहुत लोग अब तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, कोई डीजल पेट्रोल नहीं है, कोई गाड़ी से बाहर जाना है सोचेगा कि हमको इतना डिब्बे का डीजल पेट्रोल लग जाएगा, किसान खेती कैसे करेगा। इसलिए इस संबंध में पूरी जनता नाखुश है, और हम लोग डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी का पुरजोर विरोध करते हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ।